सॉरी कबीर, मेरी वजह से हमारा फोन टूट गया। ए, लेकिन तू रेखा को फोन क्यों कर रही थी? जल्दबाजी में मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अरे डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, मैंने उधर से निकलने से पहले तेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया था। थैंक्स हिमेश। अरे भाईजान ने बोला है ने, फ्रेंडशिप में नो थैंक्स। अरे नो सॉरी। अरे अरे गाइस चले अंदर। साढ़े बारह हो गए, कबीर अभी तक नहीं आया। भाभी अभी मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो आप बोलेंगी कि मैं बहुत बोलती हूँ। क्या है पिया? अरे सविता बेन, यहाँ मैं कबीर कबीर कर रही हूँ और अब पिया किनारे पे ही अटकी हुई है। ओ भाभी सोचिए ना, पहले घर की पार्टी में डांस, आज दोस्तों की पार्टी में डांस। हाय हाय भाभी, इस डांस को ना रोमांस में बदलते वक्त नहीं लगेगा। अरे कृष्णा अब फिर से शुरू हो गई? मेरा मुंह बंद रखने से जो हो रहा है वो तो बंद ही होगा ना। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं अभी कबीर को फोन करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Switched off है। क्या हुआ पिया? वो प्लास्टर वहीं जाके चुप गया है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन एक्सरे की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। थैंक गॉड। कबीर थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू तो मुझे समझ में आया, पर सॉरी क्यों? थैंक यू माँ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एंड सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा मोबाइल टूट गया ना इसलिए। एक्चुअली पिया सिर्फ सॉरी से काम नहीं होगा, तुम्हें ना मुझे एक नया फोन देना पड़ेगा। ओके फाइन। अरे तू टेंशन मत ले पिया, मैं हूं ने दुबई से मस्त एकदम मेड इन चाइना फोन लेकर आऊंगा ड्यूटी फ्री में। अरे अपने गुज्जू भाई की दुकान है उधर, अपना खास आदमी है, बोलू 19.5% डिस्काउंट तो वो देखगा ही देखगा। अरे चौके भाई मैं मजाक कर रहा था, मैं ले आऊंगा नया फोन। हैं? अभी तो बोला कि नया फोन लाके दो। ये कबीर का मजाक करने का स्टाइल है। ए वाह मोटा भाई मस्त स्टाइल छे। अच्छा कबीर मुझे लगता है कि अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। अरे नहीं पिया, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा फिर जाऊंगा। नहीं कबीर। नो आर्ग्यूमेंट्स मिस इंटेलिजेंट। देखो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त हो। कबीर इमेज भी तो है ना। हाँ ये सही है, सोचो कैसा लगेगा अब हिमेश के साथ तुम और गीता का के एक ही बाइक पे जा रहे हैं। इसी बात पे कॉफी हो जाए। हाँ तो लेके आओ मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी और शुगर ज्यादा। अरे क्या मोटा भाई, ये अपना मजाक करने का स्टाइल है। तुम लोग इधर रुको मैं लेकर आता हूँ कॉफी। अगर इस कॉफी के खत्म होने से पहले तुमने नहीं बताया कि बात क्या है तो तुम्हें धक्के मार के रूम से बाहर निकाल दूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज जल्दी बताओ। वही तो प्रॉब्लम है, और मुझे नींद ही नहीं आती आजकल। इतनी कॉफी पियोगे तो नींद कैसे आएगी? बात कॉफी की नहीं है, तुम नहीं समझोगे अदिति, दर्द होता है यहाँ पर, यहाँ यहाँ। आई नो व्हाट दिस इज, कोलेस्ट्रॉल। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अब ऑब्वियसली समोसे और जलेबियां खाओगे तो ये तो होना ही है। स्टूपिड यार, तुम मेरे मूड की बैंड क्यों बजा रही हो?
क्योंकि तुम मेरी नींद की बैंड बजा रहे हो। और एक मिनट, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चाहते हो कि मेरी तरह सब जाग जाए? अदिति, सिस, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन भैया, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि बात क्या है, मैं हेल्प कैसे करूंगी? अब चलो जल्दी बताओ, लड़की का नाम क्या है? मतलब तुम समझ गई थी कि मैं तब से तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? Of course, उतनी तो स्मार्ट मैं हुई। जल्दी बताओ नाम। हाँ, बता दो। उसका नाम उसका नाम ओके, गुड नाइट। अरे सुनो तो, आयशा। क्या आयशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आयशा का नाम लिया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? स्टूपिड कहीं के, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अभी सब सो रहे हैं, सब जग जाएंगे। तो जगने दो। लेकिन तुमने आयशा का नाम कैसे लिया? और एक सेकंड, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब वो किसी को भी बॉयफ्रेंड बना देगी। तुम सारे ना टिपिकल होते हो बॉयस। हेलो, व्हाट डू यू इवन मीन? आई एम योर ब्रदर। तुम ऐसा मेरे बारे में कैसे कह सकती हो? ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो, मेरा मतलब वो नहीं है। आई मीन गॉड, आयशा, मैं तो तुम दोनों को इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम आयशा की बात करो ना। हाँ अदिति, आयशा, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। और जब से मैंने उसका असली रूप देखा है, उसकी उसकी वो सादगी देखी है, वो जैसे मेरे दिल में बस गई है। सादगी और आयशा में? देखो अदिति, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आयशा जैसी दिखती है वैसी वो है नहीं। बहुत ही सुलझी हुई, जमीन से जुड़ी हुई लड़की है। मुझे तो डर लग रहा है, तुम तो गए, तुम तो लट्टू हो गए आयशा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे ये सब बताऊं कैसे। तुम नहीं, नहीं, नो वे, प्लीज सिस। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यस, तो मतलब तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यस, थैंक यू सो मच सिस। मैं अभी फोन करता हूँ उसे, मेरा फोन काट। चिल, अभी कोई कॉल वॉल नहीं करना, कल सुबह हम मिशन आयशा कल से शुरू करेंगे। कल? हाँ, ओके, बाय नाउ, गुड नाइट। एक मिनट पिया, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे फिर से सॉरी कहने वाली हो? कबीर, माँ अब ठीक है, तुम चाहो तो उनसे एक बार मिल सकते हो। एक्चुअली नहीं, क्या है ना, मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अपनी कितनी भी बड़ी तकलीफ हो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर I understand. अरे कबीर, तुम एक बार घर तो फोन कर दो, उन्हें बताओ कि तुम यहाँ हो, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं पिया, it's okay. क्या है ना, अभी घर पे सब लोग सो गए होंगे, और अगर मैं फोन करूंगा तो सबकी नींद खराब होगी, और फिर सब लोग सोचेंगे कि मैं कहाँ हूँ, परेशान हो जाएंगे, यू नो। अदिति तो सो रही है। भाभी, सुबह 4:30 बजे तो सोएगी ही ना? हाँ। प्लीज उसे जगाइए ना। कौन है ये पागल? अदिति, अदिति, अदिति उठो बेटा। क्या
कहाँ है मॉम? अदिति कबीर कहाँ है? मॉम वो डीके की पार्टी में होगा। सुबह के 4:30 बज रहे, इस वक्त कौन सी पार्टी होती है? अदिति मुझे नहीं पता, वो किसी को छोड़ने गया होगा। छोड़ने? किसको छोड़ने गया है वो? अदिति ये तो फिर से सो गई। हेलो, कॉफी आ गई। कॉफी कॉफी। अरे एक सेकंड। हाँ पियो। थैंक यू। पिया तेरा पीछा करते हुए मैं अपने बाइक को फुल फास्ट चला के आ रहा था ने, तो रास्ते में हवलदार ने पकड़ लिया। तुझे पता है, बोला कि 500 रुपए लगेंगे पूरे। मैंने क्या किया मालूम? मैंने उसे 500 रुपए के नोट के पीछे की पूरी हिस्ट्री बता दी। वो 10 मिनट बाद इतना खुश हो गया कि सामने से मुझे 500 रुपए देकर वापस भेज दिया। बोलो। अरे मोटा भाई, अरे तुमको मालूम नहीं है, तुम मेरे को एंटार्क्टिका में जाके आइसक्रीम फालूदा बेचने बोलोगे ना, तो मैं वो भी बेच के आऊंगा। अरे अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस अभी थोड़ी देर में प्लास्टर चेंज कर देंगे, उसके बाद उन्हें आप घर ले जा सकती हैं। ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर। कबीर, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो कबीर, एक दोस्त के नाते तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज घर जाओ। हाँ मोटा भाई, तुम घर जाके मस्त सो जाओ। अरे मैं हूं ने। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गीता मासी को बाइक पे ट्रिपल सीट बिठाकर नहीं ले जाऊंगा, टैक्सी में ले जाऊंगा बस। ठीक। अच्छा हिमेश, तुम भी घर जाओ, मैं माँ को लेकर टैक्सी में आ जाऊंगी। ए पिया, तू मेरी टेंशन मत ले, मुझे वैसे भी नींद नहीं आने वाली, मेरा तो जेट लैग चल रहा है ने। हाँ? 4 दिन बाद भी? अरे हाँ, उसपे भी एक मस्त किस्सा है मोटा भाई। वो क्या हुआ ने? यार तुम मुझे किस्सा कल सुना देना, है ना? मैं जाता हूँ। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण। कबीर, कबीर प्लीज अपने घर पे बता देना कि मैं काम पर लेट आऊंगी। पहले माँ को घर पर ड्रॉप करूंगी तो दोपहर तक ही पहुंच पाऊंगी। गुड नाइट। बता तो दूं कि पिया लेट आएगी। मम्मी, सुबह उठ के बता दूंगा कि पिया लेट आएगी। कबीर आ गया। हे अंबे, हाँ
कबीर पिया के बारे में कभी हो रहा रोहन सोने से बता रहा हूँ। ये तो क्या बोल रहा है कबीर? रोहन बस हरे कृष्णा, कबीर तो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। फिर उससे पहले उसने पिया का नाम लिया ना। जवा दे, सुबह पूछ लूंगी। गंगा बहन, नीता भाभी के लिए भी जूस लेके आना। भाभी, ये सुबह सुबह आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठिए और जूस पीजिए। लेकिन गंगा बहन, आज जूस लाने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? आज गंगा आई है क्या? आज तो संडे है ना? आज तो संडे है। ये जब अभी मैंने उनको आवाज दी तो मुझे तो उनका जवाब भी सुनाई दिया था। कभी कभी ना इंसान को वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। गंगा बहन की मुझे इतनी आदत पड़ गई है ना कि मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देने लगी है। अभी लाई। सविता बहन, आपने क्या कहा? कभी कभी ना इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। बराबर, मेरे साथ भी ना कल रात को यही हुआ होगा। कल रात को क्या हुआ था भाभी? क्या है ना, कल रात को मैं कबीर के कमरे में गई थी और नींद में उसको बड़बड़ाते हुए सुना, क्या पिया पिया। कबीर कबीर पिया के बारे में कभी हो रहा। तो शायद ये मेरा भ्रम ही होगा। ऐसा ही हुआ होगा। जवा दो ने भाभी, हवे अभी 11 बज गए, पिया अभी आती हो। बस आजा, बस देखो ना मासी। थैंक यू बेटा, मैं टैक्सी वाले को पैसे दे के आता हूँ। हाँ। अब तुम चुपचाप यहाँ बैठोगी या फिर तुम्हें बांध के रखना पड़ेगा। अब ऐसे मुंह बनाओगी तो ये मत समझना कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पता है तुम्हें कितनी टेंशन हो गई थी मुझे? अगर कबीर नहीं होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं अकेली ये सब कैसे मैनेज करती। सच में कबीर बाबा बहुत अच्छे हैं, ये दूसरी बार उन्होंने हमारी मदद की। एंड आई होप कि फिर से उसकी मदद की जरूरत ना पड़े। हाँ बाबा ठीक है, अब दिन भर मैं यहीं बैठी रहूंगी। देख रहे हैं आप,
आपकी बेटी कैसे डांट रही है मुझे। पापा, इन्होंने काम ही ऐसा किया है, आप ही बताइए मेरा डांटना जायज है या नहीं। जायज है बाबा, तेरा डांटना बिल्कुल जायज है। अच्छा माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। तेरे जाना जरूरी है क्या? आज संडे है ना, तो संडे के दिन सिर्फ मैं ही काम पर जाती हूँ, इसलिए जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। वो तो सच कह रही है, अब जिम्मेदारी ली है तो निभाना भी जरूरी है। पर पिया एक बात बता, तूने उन्हें खबर तो कर दी थी ना कि तू देरी से आएगी। हाँ माँ, वो मैंने कबीर से कह दिया था उन्हें बता देने। कबीर बाबा को? इससे कबीर बाबा का क्या लेना देना?